नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मेरा 30 साल से मैं बिजनेस इंटीरियर डेकोरेशन और बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन मार्बल, जो इंडिया का जो मार्बल है, वो अगर हम लगाते हैं घर में तो वो हमारी कॉस्टिंग कितनी आती है, एक्चुअल में हमारे जेब से पैसे कितने लगते हैं। क्योंकि कोई भी होम ओनर हो या कोई भी आदमी रिनोवेट करा रहा है तो उसको कॉस्टिंग निकालने में कभी कभी, ज्यादातर लोगों को सब पता रहता है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा जो कुछ खर्चा जो लगता है वो कंसिडर करना रह जाता है। तो वो मतलब एक कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। तो ये जो कैलकुलेशन है एक एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, और अगर आप अपने जगह पे कोई प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं और वो खरीद रहे हैं तो उसके हिसाब से इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इससे आपको एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने पैसे रफली लगने वाले हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कभी कभी जो कॉस्ट होती है थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इसमें हम अभी इंडियन मार्बल की कॉस्टिंग कितनी आती है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कॉस्टिंग कैलकुलेशन ऑफ इंडियन मार्बल, तो इसमें हमने कॉलम बनाए हैं, ये पार्टिकुलर्स, एरिया, रेट और वैल्यू। तो इसमें पार्टिकुलर्स में मटेरियल हमारा इंडियन मार्बल है ही। एरिया हम एक टेंटेटिवली कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई 1000 square foot अगर हमको इंडियन मार्बल लगाना हो तो क्या रेट रहेगी। तो हम एक जो रफ एस्टिमेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई एक ढंग की क्वालिटी का अगर इंडियन मार्बल हम लगाते हैं तो वो 70 रुपये square foot के करीब आना चाहिए। तो अगर हम 70 रुपये square foot का इंडियन मार्बल खरीदते हैं तो वो 70,000 रुपये करीब का आएगा। उसमें 18% GST लगेगी, तो 12,600 रुपये की GST हो गई। फिर इसमें लोडिंग अनलोडिंग लगेगी, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जब हम मार्बल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई डैमेज वगैरह नहीं हो जाए, उसके लिए इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। तो जो भी इंश्योरेंस की कॉस्ट हो आप बात कर लीजिएगा, मैंने एक टेंटेटिव कॉस्ट ऐड करी है। फिर चूंकि इंडियन मार्बल में एज सच कोई फिनिशिंग केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब जो नॉर्मली इटालियन मार्बल में हमको काफ़ी सारा केमिकल पिलाना पड़ता है, इंडियन मार्बल में ऐसा कोई केमिकल नहीं पिलाना पड़ता है। फिर भी जॉइंट वगैरह बहुत बढ़िया से अच्छे से आ जाए, उसके लिए कुछ हम कंसिडर करें अगर, तो उसका एक कुछ भी नॉमिनल आप कॉस्ट अपने इंस्टॉलर से बात करके कर लीजिएगा। और मोर्टार और जो एडहेसिव लगता है वो किसी में भी इंडियन मार्बल लगाएं चाहे इटालियन मार्बल लगाएं, करीब करीब बराबर सा ही लगता है। तो यहाँ पे हम 35 रुपये square foot करीब मोटार एडहेसिव कैलकुलेट कर रहे हैं। और लेबर जो है इंडियन मार्बल में वो आपके लगेगी 25 रुपये से 35 रुपये square foot करीब की इंस्टॉलेशन की। तो एक बीच में ले लेते हैं, 30 रुपये square foot करीब में आपका इंडियन मार्बल लग जाएगा। और वेस्टेज हमने जो कैलकुलेट किया है वो 10% कैलकुलेट किया, तो 70,000 रुपये पे रफली 7,000 रुपये का वेस्टेज हम कंसिडर कर रहे हैं। वैसे तो GST का भी वेस्टेज जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए इतना कंसिडर कर लेते हैं। फिर इसमें हमको पॉलिश करानी होती है इंडियन मार्बल में, तो इंडियन मार्बल की पॉलिश के जो लोग हैं बाजार में 20 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की कॉस्टिंग ले लेते हैं। तो इसमें फिर मैं दोबारा, पहले वाले वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि 20 रुपये जो है वो सस्ता नहीं होता है और 40 रुपये जो है वो महंगा नहीं होता है। तो प्रॉपर अच्छा काम कराएंगे तो थोड़े पैसे लगेंगे आपके। तो हम एक बार इसको 40 रुपये ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि एकदम बिल्कुल बढ़िया हम पत्थर भी बहुत बढ़िया लाए हैं और पॉलिश भी हम बढ़िया ही करा रहे हैं। तो 40 रुपये करीब की पॉलिश हो गई, तो ये 40,000 रुपये करीब पॉलिश के लग गए। और जब कटिंग वटिंग ये सब चीज़ों में आपकी बिजली लगेगी तो बिजली का भी कॉस्ट हम 2 या 3 रुपये कंसिडर कर लेते हैं, 3 रुपये मान लेते हैं अपन। और मिसलिनियस जो है, कुछ ऐसे वैसे कोई खर्चे हो जाते हैं जो पता नहीं चलता, वो भी हम करीब 5,000 रुपये की कॉस्टिंग मान लेते हैं, 5 रुपये square foot की करीब। तो ये टोटल आ गया अपना 2,02,807 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 70 रुपये का इंडियन मार्बल खरीदते हैं तो उसकी इंस्टॉल्ड कॉस्ट जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रही है वो है 202 रुपये 80 पैसे, या तो 203 रुपये square foot करीब का खर्चा आता है। ये मैंने एक आपको ओवरऑल आइडिया दिया है, तो इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है और थोड़ा कम भी लग सकता है। ये जो हमने जो सीरीज की है इंस्टॉलेशन, मतलब लगाने समेत, आपके घर में फ्लोरिंग लगने समेत कितना खर्चा आएगा, उसमें हमने इटालियन मार्बल की कॉस्टिंग कैलकुलेट की, इंडियन मार्बल की इस वीडियो में कर रहे हैं, विट्रीफाइड टाइल की भी कॉस्टिंग कैलकुलेट की। तो ये जो कॉस्टिंग है ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया के लिए आपको दिया गया है, करीब करीब इतना ही खर्चा लगता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप पत्थर खरीदें तो पत्थर की क्वालिटी बिल्कुल जिम्मेदारी से खरीदें। और मतलब कोई भी पत्थर सस्ता है वो एक्चुअल में सस्ता नहीं होता है, और जो महंगा है वो एक्चुअल में महंगा नहीं होता, मतलब उल्टा होता है।
जो महंगा पत्थर खरीदा वो हो सकता है आपको एक्चुअली सस्ता पड़ जाए, और जो आपने सस्ता पत्थर खरीदा है वो आपको एंड ऑफ द डे लगने के बाद या बाद में आपको महंगा पड़ जाए। तो कभी भी पत्थर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जिम्मेदारी से सोच समझ के पत्थर खरीदें। और पत्थर खरीदने के बाद, पत्थर खरीदना तो चलो अपने आप में चैलेंज है ही है, अच्छी क्वालिटी का पत्थर खरीदना, और पत्थर जब आप खरीद लें, जब मार्बल जब आप खरीद लें, तो जो इंस्टॉलर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई आप इंस्टॉलर सेलेक्ट करें तो उसका रेफरेंस चेक करें, 2 से 3 साइट जहां पे उन्होंने काम किया उसको आप चेक करें कि कैसा काम किया है, कैसी क्वालिटी करी है, काम किस तरीके से करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लेबर को पैसे, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का इंस्टॉलर अगर आप हायर करते हैं तो आपकी काफी सारी हेडेक कम हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म में मतलब पत्थर लगा के तो लगाने वाला लगा के चला जाएगा, मतलब बाद में 5 साल 10 साल 6 साल 4 साल में आपको जो है ना समस्याएं जो है कम आएगी, और आपके पत्थर की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज कम करेगा वो और अच्छे तरीके से लगा के देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, और आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो अपने जान पहचान वालों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और आप यहां तक आ गए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। फ्लोरिंग में देखिए, आप कुछ भी फ्लोरिंग लगाइए, आप सॉफ्ट फ्लोरिंग लगाइए, हार्ड फ्लोरिंग लगाइए, इटालियन मार्बल लगाइए, वुडन फ्लोरिंग लगाइए, कुछ भी लगाइए, बहुत ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस मकान में, जिस मकान में आपको जिंदगी भर रहना है, उस मकान को आप अच्छे से रखिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए और ढंग का खाना खाइए। स्वस्थ रहिए। नमस्कार। जय हिंद।